हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था। तो दोस्तों, बताना है कि कौन से दार्शनिक जो है जिसने पहली बार जो है शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था। ऑप्शन में दिया गया प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, जॉन लोके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हम एक छात्र के औसत अंकों की गणना किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन में दिया गया विचरण, अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, मानक विचलन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंक गणितीय माध्य के द्वारा जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा इस बारे में होनी चाहिए। तो दोस्तों, बताना है कि शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा जो है किस बारे में होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है पुण्य, आज्ञाकारिता, जीवन और विकास, अच्छे नागरिकों को आकार देना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन और विकास के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा को इस पर लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा को जो है किस पर लागू होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया समाज, अभ्यास, असली दुनिया, अमूर्त ज्ञान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असली दुनिया पर लागू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक शिक्षा है जो कहता है शिक्षा निम्नलिखित के माध्यम से आनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है अभ्यास, अनुभव, ज्ञान, अवलोकन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव के माध्यम से आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, शिक्षा में 12मासीवाद की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल पाठ्यक्रम को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, बताना है कि शिक्षा में जो है 12मासीवाद की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल पाठ्यक्रम को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया जरूरत में, मांग में, महत्वपूर्ण, चिरस्थाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिरस्थाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए स्कूल में किसका अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया व्यवहारिक, कार्यान्वयन, लोकतंत्र, अनुशासन, नियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा किसके अनुभव से आती है। ऑप्शन में दिया गया बच्चा, शिक्षा, समाज, प्रिंसिपल। तो दोस्तों, प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा किसके अनुभव से आता है, तो बच्चा के अनुभव से आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण बच्चे की शिक्षा में व्यवहारिकता के दर्शन में पढ़ाने का अर्थ है छात्रों को अच्छा बनाना, सिखाना। ऑप्शन में दिया गया नागरिक, विचारक, शिक्षार्थी, वैज्ञानिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम निम्न पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, बताना है कि शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम जो है किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया सिद्धांत, अभ्यास, सिद्धांत और व्यवहार, सिद्धांत, अभ्यास और अनुसंधान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिद्धांत और व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पैसा का संबंध रुपया से है तो किसका संबंध किलोमीटर से होगा। ऑप्शन में दिया गया मीटर, हेक्टोमीटर, क्विंटल, डेकामीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीन पियागेट के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो दोस्तों, किस चरण में जो है बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। ऑप्शन में दिया गया सेंसोरी, मोटर चरण, प्री ऑपरेशनल चरण, औपचारिक परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस विधि से करता है। ऑप्शन में दिया गया साक्षात्कार विधि, प्रयोग विधि, केस इतिहास विधि, अवलोकन विधि।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन में बच्चे आमतौर पर किस किस चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं? ऑप्शन में दिया गया सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठोस परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बच्चों जो है आमतौर पर सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन इनमें से कौन सा बच्चे की भावना को नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बच्चे की भावना को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन में दिया गया है खुशी, दुख, जिज्ञासा, सहनशीलता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन जिन पियागेट के अनुसार प्रवेश करते समय बच्चे अब अहंकारी नहीं रहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है सेंसोरी मोटर चरण में, प्री ऑपरेशनल चरण में, औपचारिक परिचालन चरण में, ठोस परिचालन चरण में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठोस परिचालन चरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एक कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ऑप्शन में दिया गया रचनात्मकता, सहनशीलता, सोच रहा हूँ, कल्पना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण उम्र से शुरू होता है? तो दोस्तों बताना है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण जो है किस उम्र से शुरू होता है? ऑप्शन में दिया गया 1, 3, 5, 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों किस वर्ग के शिक्षार्थियों को अवधारणा श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन में दिया गया जितना क्रम, मंद बुद्धि, सामान्य, प्रतिभाशाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण उम्र से शुरू होता है? तो दोस्तों बताना कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है औपचारिक परिचालन चरण किस उम्र से शुरू होता है? ऑप्शन में दिया गया 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता सीखने का तत्व नहीं है? तो को बताना दोस्तों कौन सा जो है निपुणता सीखने का तत्व नहीं है। ऑप्शन में दिया गया वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग, शिक्षण के वैकल्पिक तरीके, बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधि, समूह शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समूह शिक्षण जो है निपुणता सीखने का जो है तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों आपके अपने मस्तिष्क के जितने अधिक हिस्सों का उपयोग करेंगे आपको किसकी जानकारी मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी? ऑप्शन में दिया गया प्रयोग करें, मिस बनाए रखें, दुरुपयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बनाए रखें, जानकारी जो है मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम निम्न पर आधारित होना चाहिए? तो शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम जो है किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया सिद्धांत अभ्यास, सिद्धांत और व्यवहार, सिद्धांत अभ्यास अनुसंधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर जो है आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से किसकी सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है समग्र विकास, रचनात्मकता का विकास, अनुभव का विकास, भिन्न सोच का विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समग्र विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की जिसमें बच्चों को निम्न में से दूर करना शामिल था? तो दोस्तों बताना है कि रूसो ने जो है एक शैक्षिक पद्धति का वकालत की थी जिसमें जो है बच्चों को किससे जो है दूर करना शामिल था? ऑप्शन में दिया गया स्कूल, बोझ, समाज, अतीत की स्मृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाज से दूर करना शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन सी एक आयामी शिक्षण सहायता है? तो दोस्तों कौन सी जो है एक आयामी शिक्षण सहायता है? ऑप्शन में दिया गया चांपट, डिस्प्ले बोर्ड, स्थिर चित्र, मॉडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों बच्चों को उनकी माँ की देखभाल से हटाकर राज्य के आश्रित के रूप में पालने की वकालत किसने की? ऑप्शन में दिया गया प्लूटो,
सुकरात, अरस्तु, जॉन लोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लूटो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्लूटो प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता है। तो प्लेटो को मानना था कि जो दोस्तों प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जो है किस रूप से है, यानी किस रूप में है। ऑप्शन में दिया गया अनुवांशिक रूप से वितरित है, लिंग के अनुसार वितरित है, अनुवांशिक रूप से वितरित नहीं है, लिंग के अनुसार वितरित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण संतुलित विकास पर जोर देता है। तो वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण जो है संतुलित विकास पर जोर देता है, यानी किस पर जोर देता है। ऑप्शन में दिया गया सिर और दिल, दिल और हाथ, सिर और हाथ, सिर हृदय और हाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिर हृदय और हाथ पर जो है जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया विश्लेषण, साक्ष्य, अनुभव, सूचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसे इसके द्वारा जाना जाता है। तो दोस्तों बताना है कि पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसे जो है किसके द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया विश्लेषण, साक्ष्य, अनुभव, सूचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर 31 दिया गया है और 90 दिया गया है, उसके बाद दोस्तों 43 के बाद बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 31 और 90 में देखते हैं तो कितना डिफरेंस होता है, 59 का। यानी 31 में 59 जोड़ते हैं तो 90 आता है, इसी प्रकार दोस्तों 43 में 59 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 102 आएगा। ठीक है, तो 102 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए। तो भिन्न का चयन करना है तो चश्मे दिया गया है ऑप्शन में, फिर चश्मा दिया गया, बायोफोकल्स, ऑप्टिकल रीडर। तो दोस्तों ऑप्टिकल रीडर जो है भिन्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि ए का 33% बी का 55% के बराबर है तब ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी का अनुपात निकालना है। यहाँ पर दोस्तों ए का 33%, ए का मतलब गुना 33%, 33/100 बराबर बोला, बराबर करेंगे बी का 55%, तो बी गुने 55/100, 100 से 100 कट गया, 11 3 33, 11 5 55, ए बटा बी बरो क्या हो गया 5/3। रेशियो में करेंगे तो दोस्तों 5:3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 8 बचता है, तब लघुत्तम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 20 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 35 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम दोस्तों इसका निकल कर कितना आएगा, तो अगर दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो 420 एलसीएम आएगा। ठीक है, और जो शेषफल बचता है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 428 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 486 संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो इसको गुणनफल निकालना, यानी गुणनखंड कर देना है 486 का। 486 का करेंगे तो पहले कितना लग रहा है, 2 से लगाएंगे तो 243 बार में कट गया, फिर इसको लगाएंगे 3 से तो 81 से कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 27 3 81, 3 9 27, 3 × 3। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 कितना है, 2 1 है तो पावर 1 हो जाएगा, गुने करेंगे 3 कितना है, 1 2 3 4 5 है तो 3/5 होगा, यानी 2/1 × 3/5 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर दोस्तों 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो 40 वस्तुओं का मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो CP × CP हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, SP/CP बराबर क्या हो गया, 5/4, यानी SP का वैल्यू 5 हो जाएगा, CP का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ 1 रुपया का हो रहा है, तो 1 × 100 बटा क्रय मूल्य 4 है, 25 × 100, तो 25% इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ए के 4 विषयों
में औसत अंक 91 थे, शेष दो विषयों में उसके कुल अंक 176 थे। तो सभी विषयों में उसके अंकों का औसत ज्ञात करें। तो सभी विषयों में निकालना है, तो दोस्तों ए में जो है चार विषय है, शेष दो विषय, तो टोटल विषय कितना हो गया, छः हो गया, टोटल विषय छः हो गया, लेकिन चार विषयों का औसत दिया गया 91, तो चार गुने करेंगे 91, और जो कुल अंक दिया गया है दो विषयों का तो 176, उसको जोड़ेंगे और टोटल का निकालना है तो 6 से भाग देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो 90 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन में दिया गया शारदा नदी, बाल विवाह, दहेज, पुलिस सुधार। तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना में पहली महिला पायलट कौन बनी। ऑप्शन में दिया गया शुभांगी स्वरूप, जयश्री मिश्रा, चित्रा शर्मा, मंजुला पदना भन। तो दोस्तों भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट जो है शुभांगी स्वरूप बनी है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो है किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों उस पाल राजा का नाम बताइए जिसने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन में दिया गया महीपाल वन, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल। तो विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल किया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन में दिया गया इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमन, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन में दिया गया हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है। ऑप्शन में दिया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू गुजरात पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, वल्लभ भाई पटेल पोर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन में दिया गया 10 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21, 31 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो विषम है। तो विषम का चयन करना है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं डब्लू, टी और पी में। दोस्तों इधर से चलते हैं तो पी क्यू आर एस टी यानी माइनस चार करने पर आ रहा है, ठीक है। टी डब्ल्यू में देखते हैं तो टी यू वी डब्ल्यू माइनस तीन करने पर आ रहा है। इसी पर दूसरा ऑप्शन में देखते हैं वी एस क्यू में तो क्यू आर एस यहाँ पर माइनस दो करने पर आ रहा है, एस टी यू वी तो यहाँ पर माइनस जो है तीन करने पर आ रहा है, ठीक है। इसी पर तीसरा ऑप्शन देखते हैं पी एम के में तो के और एम में देखेंगे तो के एल एम माइनस दो करने पर आ रहा है, एम पी में देखेंगे तो एम एन ओ पी माइनस तीन करने पर आ रहा है। यानी सभी दोस्तों माइनस तीन और माइनस दो पर आ रहा है, पहला ऑप्शन जो है माइनस तीन और चार पर आ रहा है, ठीक है। तो यही विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया चिन्ह दिया गया है, इसमें रखना है और कौन सा चिन्ह बदलने पर जो है परस्पर बदलने पर सही हो जाएगा, ठीक है। 16 के बराबर होगा तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों एक्स ने वाई को परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की नातिन की पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी एक्स का वाई क्या लगेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साला, जीजा, देवर या ज्येष्ठ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।